प्रोग्राम से। प्रमोद जी नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार जी। जी हाँ, मेरे पास MRF के 8 शेयर हैं। हेलो। ओके, हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ, इसकी मेरी एवरेज, मैंने 41,500 से लेना खरीद चालू किया था, जब 1,55,000 रुपये इसका रेट था। आपने कब से लेना शुरू किया? 41,000 से? हाँ, 1,41,500 से लेना चालू किया था। और अब अभी चल रहा है 1,27,000। हाँ जी, 1,00,000, अभी आज तो 1,28,750 रुपये है। नहीं तो आपने ये लेने का मन क्यों बनाया था? भाई, ये 1,81,000, मैं पिछले 5 साल से MRF में काम कर रहा हूँ। मैंने रेट वाज 51,000। हाँ, जब से अपने ले लेता हूँ, इसको बेच देता हूँ, ले लेता हूँ, बेच देता हूँ। 1,00,000 में लिया, वो 1,00,000 रुपये 10,000, तो 1,55,000 रुपये जब उस पर गया और चारों तरफ से देखा कि भाई इधर यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उधर ये है ना, गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है तो टायर बढ़ेंगे, तो मैंने ये ले लिया। लेकिन जैन साहब ये बताओ, आपने शेयर लिए 6 6 है ना, 8 8 7 8 आठ8 आठ शेयर हैं और आप 1,55 से लेके अब तक लाए, एवरेज करके 1,36 बैठा है। 8 शेयर हैं आपके, कितना हाँ, टारगेट आप सोच के चल रहे हो? 1,41,000 से लेकर के 1,28,000 तक लेकर के ना, नहीं समझ मेरी आज गया। की डेट में इसकी एवरेज बैठ रही है 1,35,550 अरे जैन रुपये साहब मेरी बात तो सुनो, अभी क्या लक्ष्य आप लेके चल रहे हो कि आपके हिसाब से कहाँ जाके तो आप बेच लेते इसको? मेरा। अगर 1,41,000 आ जाता है तो एक बार मैं इससे एग्जिट हो जाना चाहता हूँ। कितने पर एग्जिट होना चाहते हैं? 1,41,500 रुपये पे जो पहला शेयर खरीदा था मैंने, हाँ वहीं पे एग्जिट। हाँ वहां पे एग्जिट हो जाता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाता है अरे ना। दादा जैन साहब मेरे को ये बताओ, 36,440 और 41,000, 7,000 रुपये, 7×56, 50,000 रुपये आपके बनेंगे और आपने पैसा कितना फंसाया आप देख रहे हो? मैंने इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 8 शेयर पे 9,40,000 रुपये फंसा दिया। तो 9 लाख रुपए लगा के आप कितना पैसा कमाओगे? 50,000 रुपया। 50,000 रुपये अगर मैं ये कमाता हूँ तब क्या करूँ? अब जब फंसता गया तो फंसता चला गया ना, हाँ अब अब तो इसके आप अंदर रुको कोई भाई। मेरे पास वे आउट नहीं था। हाँ नहीं बात तो आपकी सही है, सरवेन जी की मदद लिया। सरवेन जी MRF देखिए भाई चार्ट पे जी क्या किया जाए। जैन साहब का स्ट्रेटजी यह है कि जैसे खरीद लो, अभी 1,36 चल रहा है, अभी 1,28 चल रहा है, 1,36 इनकी खरीद, 1,41,000 42,000 बेच देंगे, जी 9 लाख रुपए फंसा के 50,000 रुपये कमाना सही स्ट्रेटजी है क्या? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो इनसे पूछूंगा कि जब इन्होंने इनिशियली इसको ट्रेड करना शुरू किया था नीचे के लेवल्स पे, कहते हैं कि 10 साल से कर रहा हूं, तब कितने शेयर ट्रेड करते थे? बताइए जैन जी, साहब। मेरे पास 7-8 शेयर होते थे, अपने लिया 5,000 ऊपर हुआ, बेच दिया। मेरे को, मेरा का फंडा ये है कि मेरा पैसा सेविंग बैंक में पड़ा है, जहां से मुझे 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है सार का। और मेरे को अगर इसके अंदर लगा करके 6% का 60% का मिल जाता है तो वहां से 3 गुना मिल जाता है। मेरा 60% भी मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि बैंक FD का रेट भी 60% ही चल रहा है। नहीं तो आप अपने सवालों के खुद ही जवाब दे रहे हैं। देखिए, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का 7% 6-7% का ही आपका एम था, तो वो तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न FD में भी आपका उससे ज्यादा ही बन रहा है, तो आपको तो बाजार में होना नहीं चाहिए। बट ये केस स्टडी आई थिंक आपकी सबके सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्टॉक कुछ भी हो, चाहे वॉरेन बफे साहब ने लिया हो या किसी एक इंट्राडे प्लेयर ने लिया हो, हर आदमी ने ये सोच के लिया कि एक ना एक दिन जरूर बेचूंगा। कोई भी स्टॉक या तो कोई भी कंपनी कोई अमृत पी के तो पैदा नहीं हुई है, कोई पारसमणि तो है नहीं कि हमेशा चलती रहेगी। अब आप इतना दूर इसको ले आए ट्रेड करते करते, हमेशा 6-6 8-8 शेयर, अगर इस भाव से आप अटक गए और वापस खुदा ना खास्ता नीचे के लेवल आ गए 70,000 के 80,000 के, या मानिए जहां से आपने स्टार्ट किया था निचली 50,000 ट्रेडिंग, तो आपके तो सारे पैसे यही अटक गए ना। आपने कमाया कुछ नहीं, जितना आपने कमाया वो सब अब आपने ऊपर में चढ़ावा दे दिया। तो ये कॉन्स्टेंटली एक ही स्टॉक को चेस करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। कहने का मकसद ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक 50,000 आ जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ किसी भी एक ही स्टॉक के पीछे हाथ धो के पड़े अगर आप हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। जब वो बहुत ओवर बॉट या बहुत कई सालों तक चल लेगा तो आपको कहीं ना कहीं उसको छोड़ना पड़ेगा, आप एक ही चीज के पीछे नहीं पड़ सकते। तो ये स्टॉक ऑलरेडी आप पहले समझ लीजिए कि कहाँ से कहाँ आ गया है। ये 700 रुपए का भाव था इसका 2001 में, ठीक है, और आज ये कहाँ पहुंचा हुआ है।
30 टाइम्स ऑलमोस्ट ये स्टॉक पहुंचा हुआ है, 30 टाइम्स मैं कहने कम बोल दिया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 टाइम्स स्टॉक पहुंचा हुआ है। तो अब यहाँ से और कमाई मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में होगी आपकी। मेरी तो राय है कि आप जो 1,28,000 में जितना भी आपने माल लिया है, 3-4-5 शेयर जो आपने नीचे में लिए हुए हैं ना, उनको आप बेच दीजिए और बाकी पे आप 1,20,000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ये मेरी राय रहेगी। ओके, इतने हैवी टिकट साइज पर ट्रेड करना, वो भी 5% रिटर्न के लिए, थोड़ा सा जैसा आप स्ट्रेटजी रीथिंक करिए आप एक बार। आप मतलब रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़िया नहीं दिखा, जो 5% रिटर्न के लिए आप इस पर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इनको तो खाली पैसा अपने एफडी में डाल देना चाहिए, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन ही 6-7% की है, तो इनको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आरबीआई वाले सॉवरेन बॉन्ड में डाल दें, वहाँ पे भी नेट ऑफ टैक्स 5-5.5% आराम से मिलेगा, उसमें तो चिंता भी नहीं। खैर एनीवे, अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है। प्रमोद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगला सवाल है विजय गौड़ का, नोएडा से हमारे साथ जुड़ना। विजय जी नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप बताओ। सर एक Q4 रिजल्ट देखते हुए RIL के जो है 29-26 पे एक फर्स्ट डिप पे लिए थे हमने 100 शेयर है, और रिजल्ट तो अच्छा आया था, अनुमान भी थे कि भाई 3400-3300 तक का भाव बढ़ के जाएगा, लेकिन पिटी रहा है तब से शेयर ये लगातार 2850 पे आ गया। हाँ सर, वही 100 शेयर है आपके पास जी। Q4 रिजल्ट अच्छा आया था, अनुमान भी सारे ब्रोकरेज फर्म्स का ये था कि लगभग 3300-3400 तक जाएगा, लेकिन पिटी रहा है लगातार। आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं? नहीं, मैं इन्वेस्ट कर लेता हूं सर। ओके, तो अभी तो रिजल्ट आए हुए मैं ख्याल महीना पर भी नहीं हुआ। हाँ, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया था उसके बाद जब फर्स्ट डिप दिया था, ब्रोकरेज फर्म जब दे रहे थे, ब्रोकरेज फर्म की सारी रिपोर्ट आ रही थी कि भाई 3400 तक का जाएगा, तो मैंने फर्स्ट डिप पे ले लिया था। मैंने कहा चलो आज गिरा है, थोड़ी बहुत डिप पे ले लेते हैं तो कुछ 100-200 पॉइंट दे जाएगा। ओके सरवेन जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2926 रुपए में खरीदा है गौड़ जी ने, अभी चल रहा 2850 और हैं इन्वेस्टर, अभी क्या करना चाहिए इनको? देखिए मेरे हिसाब से तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट और थोड़ा ट्रेडिंग का भी इनका दोनों प्ले लेके चल रहे हैं। अगर ट्रेडिंग नहीं हुई तो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा ये मान के चल रहा हूं मैं। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब कोई, अब वही है कि उसमें कौन लोग जल्दी उस चीज को सुधार लें और एक ही कोई टाइम फ्रेम ट्रेड करें। तो मैं इनके फ्लेवर से ये समझ के चलता हूं कि भाई 2800 का एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ मेंटेन करके रखें। मेरे हिसाब से 2800 के नीचे 2798 पे एक स्टॉप लॉस बना के रखें, क्योंकि किन्हीं कारणों से अगर वो लेवल्स टूटे तो इसका जैसे पूरा बाजार या काफी सारे स्टॉक जो हम डिस्कस करें जो अपने लंबी अवधि के 200 दिन के एवरेज के आसपास या उनसे नीचे ट्रेड होना शुरू हो गए, और मैं क्वालिटी नेम्स की बात कर रहा हूँ, ब्लू चिप्स की, टाइटन उनमें से एक है जिसने आज तोड़ा है, हमने अभी इसको डिस्कस किया। तो पॉसिबली अगर ये हो गया, इसका 2800 टूट गया, तो ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेज की तरफ चला जाएगा, 2600 की तरफ, 2630-2640 की तरफ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इनको 2800 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 2800 का स्टॉप लॉस रखिए। और गौर साहब, जब आप ब्लूएस्ट ऑफ